हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब वेलकम ए वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिर्चा दोस्तों क्या हो अगर आप फाउंडेशन लगाने से पहले अपने फेस पर स्किन केयर नहीं करो तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये लाइव डेमो देने वाली हूँ कि अगर हम स्किन केयर नहीं करते हैं सीधे फाउंडेशन लगा लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है या फिर कैसा हमको रिज़ल्ट मिलता है तो क्या करेंगे मैंने फेस वॉश कर लिया है अभी मैं सीधे नहीं कुछ स्टाइल में आपको दिखाऊंगी हाफ़ फेस पर मैं बिना स्किन केयर किए हुए फाउंडेशन लगाऊंगी एंड हाफ हाफ़ फेस पर मैं स्किन केयर करके फ़ाउंडेशन लगाऊंगी इसके लिए मैं अपने फेस पर एक डिवाइडर लाइन खींच लेती हूँ जिससे कि आसानी हो जाए आपको समझने में भी और मुझे मेकअप अप्लाई करने में भी तो ये मैंने लाइन जो है क्रिएट कर ली है अब इस तरफ मैं जो है लगाने जा रही हूँ सबसे पहले फेस टोनर तो इसको मैंने ऐसे हाफ में अप्लाई कर लिया है आधे फेस पर ही और अच्छे से डैपडप कर लिया है इसके बाद मैं फ़ेस पर फेस सिरम अप्लाई कर रही हूँ स्किन केयर वाली तरफ में एंड इसके बाद अपने फेस पर मैं अप्लाई करूँगी एक मॉइस्चराइज़र जो कि स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपकी ये ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र है ममार्थ का मैंने यूज़ किया है और हाफ फेस पर भी हाफ़ फेस पर ही इसको मतलब अप्लाई किया है तो अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद हमें एक से दो मिनट का वेट करना है और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस प्राइमर तो दो मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मैंने प्राइमर ले लिया है ये मेबलिन फिटमी का है एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए आता है तो इतना सा अमाउंट मैंने लिया है और इसको अपने हाफ फेस पर अप्लाई कर लिया है Uh, कई बार या ज़्यादातर सारे ही जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप मेकअप uh, करने से पहले यानी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले स्किन केयर करेंगे तो अच्छा होता है बट अगर हम नहीं करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना तो यहाँ पर मैंने फेसेस कैनेडा का uh, ये फाउंडेशन ले लिया है और इसका इतना अमाउंट ले लिया है काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है ये अगर आप इसको जो है इस्तेमाल करते हो तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना चाहिए आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया अभी आप देखोगे कि उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है तो मैंने ये फ़ाउंडेशन अप्लाई कर लिया है उस तरफ जहाँ पर मैंने स्किन केयर नहीं किया है और चूँकि स्किन केयर करने वाली जगह पर हमें एक से दो मिनट का वेट करना था तो मैंने सोचा तब तक हाफ फेस पर मैं फ़ाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ तो इसको मैंने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर लिया है सीधे ही अप्लाई किया है कुछ भी नहीं अप्लाई किया था फ़ेस पर सीधे फेस वॉश के बाद मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है तो कई बार क्या होता है कि आ, जैसे हम जानते हैं कि फाउंडेशन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका एक कारण ये भी होता है कि हम स्किन केयर नहीं करते हैं इसलिए हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन कई बार फाउंडेशन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सीधे जो हवा है उसके कांटेक्ट में आने से ही जो वो काले पड़ जाते हैं तो मतलब आप स्किन केयर करो या ना करो वो काला पड़ना है तो काला पड़ेगा ही तो आपको बहुत ध्यान से अपना जो है फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए तो अब आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है ब्लेंडिंग में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल टू ऑयली होती है तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ज़रूर आपको दिक्कत आएगी इस स्टेज पर तो अब मैं करीब दो मिनट हो गए हैं तो दूसरे तरफ जहाँ पर मैंने स्किन केयर किया था वहाँ पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ सेम फाउंडेशन मैंने लिया है और उतने ही अमाउंट में लिया है जितना मैंने दूसरी तरफ लिया था डॉट्स में पूरे फेस एंड नेक पर इसको अप्लाई कर लिया है एंड इसको भी मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ये ब्रश मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश तो इससे बहुत अच्छे से मतलब स्मूदली जो है ब्लेंड हो रहा है ये जो है फाउंडेशन आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पूरी तरफ जो है फैल गया है और अच्छे से इसने ब्लेंड कर दिया है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी टाइम और उसके बाद मैं गैप करूंगी थोड़ी देर का वीडियो में सारे काम वगैरह निपटाकर मैं आपको रात में मिलूंगी जिससे कि आपको समझ में आए कि जब हम फाउंडेशन इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो चार से पाँच घंटे के बाद इसका क्या इफेक्ट आता है एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इफेक्ट जो भी आए सबसे पहली बात तो हो ये होती है कि हमारे स्किन को सीधा हार्म नहीं होना चाहिए अगर हम कई बार फाउंडेशन सीधे अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को सीधे ही कॉन्टेक्ट हो जाता है फाउंडेशन का तो उससे जो है जो केमिकल्स वगैरह हैं वो सीधे ही हमारे स्किन को टच करते हैं तो पहला जो है रीज़न ये हुआ है कि अगर हम जो है नहीं अप्लाई करते हैं तो हमारी सीधे स्किन पर इसका इफेक्ट आएगा मैंने थोड़ा सा काजल और जो है ये लिपस्टिक लगा ली है क्योंकि एकदम फाउंडेशन लगाया हुआ अजीब सा लग रहा था इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है तो यह आप टाइम देख सकते हैं करीब छः बजकर नौ मिनट हो रहे हैं दस हो गए हैं छः बजकर दस मिनट तो अब मैं आपको मिलूंगी बिल्कुल रात में जब सारा मैं काम वाम घर का कर लूँगी उसके बाद मैं आपको मिलूंगी और आपका अपना फेस दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क पड़ रहा है जिधर मैंने स्किन केयर किया है और जिधर नहीं किया है उन दोनों ही साइड में तो लास्ट टाइम जब मैं आपको छोड़कर गई थी वीडियो में तब बच रहे थे करीब छः दस और अभी हो रहे हैं दस पचपन यानी कि ग्यारह बजने वाले हैं आप देख सकते हो डे वही है तो रात हो चुकी है करीब छः सात आठ नौ दस ग्यारह करीब पाँच घंटे हो गए हैं मुझे ये फाउंडेशन लगाए हुए और अगर मैं देखूं दूर से देखने में ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा हाँ जिधर मैंने स्किन केयर नहीं किया है उधर का हिस्सा आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा होगा ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगा हुआ है और ये हिस्सा आपको थोड़ा सा डल लग रहा होगा जहाँ पर मैंने स्किन केयर किया था बट मैं अगर आ... पास से इसे देखती हूँ मिरर को पास में करके ये एरिया पर थोड़ा सा जो फाउंडेशन है वो हल्का सा ऐसा लग रहा है कि पता चल रहा है कि आप अगर सामने से देखते हो कि यहाँ पर कुछ अप्लाई किया गया है एंड इधर आ, पोर्स वग़ैरह ज़्यादा ओपन दिखाई दे रही इधर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इधर मैंने प्राइमर का भी यूज़ किया था तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा आपको जो कहते हैं ना बैलेंस में दिखा रहा है कि आपने मेकअप यूज़ किया है फिर भी उतना ज़्यादा आपके फेस पर मेकअप की परत लगी हुई नहीं दिखाई दे रही है वो चीज इधर नहीं है यहां पर आ, सीधे ही मैंने लगा रखा था जैसे फाउंडेशन तो पूरे में तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन ये जो एरिया है यहां पर मुझे लग रहा है और यहां पर इस एरिया पर ये माउथ के अराउंड और थोड़ा सा इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, जो फाउंडेशन है ये एक परत में आपको लगा हुआ दिखाई देगा तो एंड रिजल्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप स्किन केयर किए बग़ैर फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आपका फाउंडेशन पैची नज़र आएगा फेस पर जगह जगह पर उसके जो है स्पॉट्स नज़र आएंगे आपके फेस पर जहाँ भी ओपन पोर्स होंगे वो साफ़ नज़र आएंगे विजिबल होंगे एंड जो है वो मतलब एक कहते हैं ना कि एक परत जैसे मैंने बताया लगी हुई दिखाई देगी और सीधे आपके स्किन को टच कर रहा है फाउंडेशन ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ हो जाएगी स्किन केयर करने की वजह से हमारे जो है फेस पर लेयर्स आ जाती हैं उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो जो है आपको उतना ज़्यादा सीधे कॉन्टैक्ट में नहीं आता तो उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है तो बिल्कुल हमें स्किन केयर करे बगैर फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है स्मूथ टेक्सचर मिलता है फेस पर और कहीं भी पोर्स वग़ैरह विजिबल नहीं होते हैं पैचेस नहीं दिखाई देते हैं हाँ थोड़ा सा जैसे आप स्किन केयर करते हो तो आपके जैसे यहाँ पर आप देख देख रहे हो कि मेरी जो है जो आईलिट्स हैं उसमें फाइन लाइन्स में ये आ, सेटल हो गया है फाउंडेशन क्योंकि इसको मैंने सेट नहीं किया था तो आप स्किन केयर अच्छे से करिए फाउंडेशन अप्लाई करिए उसके बाद उसको सेट करना बिल्कुल नहीं भूलिए कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि इसकी जो ओपेसिटी uh, है वो भी बढ़ जाती है उससे क्या होता है कि वो आपको फाउंडेशन आपको और भी ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है और अच्छे से सेट हो जाता है आपके फाइन लाइन्स में इकट्ठा uh, नहीं होता है तो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखाई देता है आई होप आप सबके लिए ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा होगा वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी फाउंडेशन अप्लाई करना स्किन केयर अच्छे से करना उसको अच्छे से, से सेट करना और उसके बाद आपको मिलेगा बिल्कुल फ्लॉलेस बेस सो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इसी तरीके से आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ